अस्सलामुअलैकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के कहकशा के किताब से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 29, जिसका नाम है फसानाए अजायब। देखिए, नाम पर आप लोग मत जाइएगा। इस चैप्टर का जो नाम है टाइटल, ये थोड़ा टफ है, लेकिन इसमें जो कहानी बताई गई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी किताब को उसके खोल यानी कि उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए कि वो किताब कैसा होगा, ठीक। उसी तरह आप लोग ये टाइटल को देखकर, चैप्टर का नाम पढ़कर ये मत समझिएगा कि चैप्टर जो है अच्छा नहीं होगा, इसमें कहानी अच्छी नहीं बताई गई होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही चैप्टर का टाइटल जो है टफ है, थोड़ा सा पढ़कर लग रहा है कि इसमें कुछ खास नहीं होगा, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और ये कोई कहानी नहीं, ये एक दास्तान है, याद रखिएगा। फसानाए अजायब नाम का ये जो चैप्टर है, ये क्या है, एक दास्तान है। दास्तान किसे कहते हैं, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब मैं आप लोग को बाग-ओ-बहार नाम का दास्तान पढ़ा रही थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग को नहीं याद है तो दोबारा बता दे रही हूँ। देखिए, दास्तान तवील अफसाना यानी कि बहुत ही लंबी कहानी को कहते हैं दास्तान, जिसको एक ही बैठक में आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसी तरह ये चैप्टर क्या है, दास्तान है। लेकिन आप लोग को पूरी दास्तान को नहीं पढ़ना है। अगर पूरी दास्तान को पढ़ना रहता तो वीडियो तो 3-4 घंटा का बनता। लेकिन ये जो है ना, दास्तान का एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ना है, एक अंश पढ़ना है। और इनफैक्ट ये जो फसाना अजायब है ना, ये एक किताब बन गया है एक तरह से। इतना लंबा ये दास्तान है ना कि इसको एक किताब बना दिया गया, ठीक। तो फसाना अजायब नाम का ये क्या है, एक दास्तान का किताब है, याद रखिएगा। और उसी फसाना अजायब नाम के दास्तान के किताब में से एक छोटी सी कहानी, छोटा सा टुकड़ा आप लोगों के बुक में दे दिया गया है, और उसी कहानी को आप लोगों को पढ़ना है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरी कहानी मैं आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर के जो राइटर हैं, मुसन्निफ़, उनके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राइटर यानी कि मुसन्निफ़ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है एग्ज़ाम में, इसीलिए राइटर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक। तो देखिए, फसानाए अजायब ये जो दास्तान का किताब है, इसके राइटर के बारे में तो जान लीजिए, किसने लिखा है, कौन वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने फसानाए अजायब इतनी लंबी दास्तान की किताब को लिख दिया, वो है मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर। देखिए, इनकी बात कर ले तो इनका पूरा नाम मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर ही था, और उसके बाद से पैदाइश 1785 नहीं तो 86 में हुई थी। देखिए, कंफर्म डेट, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है कि इनकी पैदाइश कब हुई और किस डेट को हुई। सिर्फ आप लोगों के बुक में इतना ही बताया गया है कि 1785 नहीं तो 86, इन्हीं दोनों के बीच हुई होगी, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है और ऑप्शन में दिया रहेगा 1785, तो आप लोग उसको टिक कर दीजिएगा। अगर 1786 दिया रहेगा तो उसको टिक कर दीजिएगा। दोनों एक साथ तो कभी देगा नहीं ऑप्शन में, अलग अलग, ठीक। तो 1785 नहीं तो 86 ईस्वी में मिर्ज़ा रजब अली की पैदाइश हुई, और लखनऊ में हुई थी। और लखनऊ में ही ये पले बड़े थे, पढ़ाई लिखाई का काम लखनऊ में हुआ था। आप 100 बात की एक बात बोल सकते हैं कि लखनऊ में ही इनकी परवरिश हुई, ठीक। पढ़े लिखे थे, पले बड़े लखनऊ में ही, ठीक। और उसके बाद से इनके वालिद, इनके पिताजी का नाम था मिर्ज़ा असगर अली बेग। क्या नाम था पिताजी का, मिर्ज़ा असगर अली बेग। और जो मिर्ज़ा रजब अली है ना, वो उर्दू, फारसी और अरबी तीनों लैंग्वेज में, तीनों भाषा में इनको महारत हासिल थी, मतलब तीनों भाषा ये जानते थे, ठीक। और उसके बाद से मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर जो है, वो लखनऊ में तो पैदा हुए, पले बड़े वहीं पर, परवरिश वहीं पर हुई। और उसके बाद से जॉब के चक्कर में, मतलब जॉब करने के लिए, ये लखनऊ से कानपुर भी गए थे, अलग अलग जगह पर जॉब करने के लिए गए। आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी नहीं थी, और इनकी 2 शादियां हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। लखनऊ से कानपुर गए, कानपुर से फिर लखनऊ, फिर बनारस गए, ठीक। और उसके बाद से बनारस से रामनगर आए, ठीक। और रामनगर में ये 10 साल रहे थे, और 10 साल के बाद इनकी मौत हो गई। देखिए, मैं आप लोग को पूरा बात बताती हूँ। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ की बात कर ले, एक मिनट, यहाँ पर नून छूट गया है, तसनीफ़, ठीक। तसनीफ़ का मतलब होता है क्रिएशन। इनका किताब था फसानाए अजायब। देखिए, यही एक ऐसा किताब है, फसानाए अजायब नाम का ये दास्तान का किताब है ना, यही एक ऐसा किताब है जिसके वजह से मिर्ज़ा रजब अली बेग बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, फेमस हुए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से फसानाए अजायब नाम का ये जो दास्तान है लिखे थे, और किताब के तौर पर ये लिखकर, बहुत ही लंबी दास्तान थी तो इसको किताब बना दिया गया फसानाए अजायब को, ठीक। और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। और ये फसानाए अजायब दास्तान, फसाना अजायब नाम का ये जो दास्तान का किताब है, ये कानपुर में लिखा गया था 1885 में। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर लिखे थे इस किताब को, और इसी किताब के लिखने की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर व मकबूल हुए, याद रखिएगा, ठीक। और जुलाई 1859 को, 1859 में ये बनारस गए, और 100 रुपये महीने पर ये जॉब करने लगे, ठीक है। 1869, देखिए 1857 की क्रांति हुई, ठीक। और उसके बाद से
उसके ठीक दो साल बाद आप बोल सकते हैं 1859 में, जुलाई 1859 में ये बनारस चले गए और 100 रुपये इनको महीना मिलता था और जॉब करने लगे। उस वक्त 100 रुपया ही बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और मिर्ज़ा रजब अली फसाना है जायब, ये जो किताब था ये दास्तान का किताब, इसके अलावा ये ढेर सारे किताबें लिखे थे जैसे कि सुरूर सुल्तानी, शगुफ़ मोहब्बत, गुलजार सुरूर वगैरह वगैरह, मतलब ये ढेर सारे किताबें लिखे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस और जिससे ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए वो किताब था फसाना है जायब, याद रखिएगा, ठीक। और शेर व शायरी भी किए थे मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर, शेर व शायरी भी किए थे और शेर व शायरी के उस्ताद यानी कि टीचर का नाम है आगा नवाजिश, ठीक। और लास्ट में इनका इंतकाल हो गया रामनगर में 1869 ईस्वी को, ठीक, 1869 में रामनगर में मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर की जो है ना मौत हो गई, इंतकाल हो गया और पंचपट्टी के कब्रिस्तान में इनको दफन कर दिया गया, याद रखिएगा पंचपट्टी के कब्रिस्तान में, ठीक। तो ये हो गया मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक। अब चलिए मैं आप लोगों को ये पूरी दास्तान, मतलब इस दास्तान का एक छोटा सा टुकड़ा जो है आप लोगों के बुक में जो कहानी के तौर पर दिया है उसको मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। इस चैप्टर में यानी कि इस दास्तान में बताया गया है कि यमन का एक बादशाह था, यमन एक शहर है, मुल्क है, ठीक, वहीं का एक बादशाह था जो कि बहुत ज़्यादा नेक दिल, साफ गो, भोला और शरीफ था, ठीक। और इसीलिए इसकी मतलब भोलापन को देकर, नेकी मतलब ये बहुत ज़्यादा साफ को था, हमेशा जनता की जो है ना मदद किया करता था, जनता के जज्बातों को समझा, अपनी आवाम के जज्बातों को समझता था और इसीलिए यमन के जितने भी लोग थे यानी कि यमन की जो जनता थी वो बादशाह को फरखंदबख्त कहते थे। फरखंदबख्त कहते हैं खुश नसीब, फरखंदबख्त का मतलब क्या होता है, खुश नसीब, यानी कि यमन का जो बादशाह था वो बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब था। और आप लोगों को इस चैप्टर में यही जानना है कि किस तरह बादशाह की जो खुश नसीबी है वो बदनसीबी में बदल गई सिर्फ बादशाह की बेवकूफ़ी की वजह से। बादशाह नेक दिल था, साफ गो था, भोला था, लेकिन ये एक्स्ट्रा भोला बनने लगा और इसका भोलापन जो है ना इसी पर भारी पड़ गया और सब जो है ना इसके हाथों से सब कुछ छूट गया। अब देखिए कैसे, मैं आप लोग को पूरी कहानी बताती हूँ। इतना तो आप लोग को मालूम चल ही गया होगा कि यमन के बादशाह को यमन की जो जनता है क्या बुला, क्या कहकर बुलाती थी, फरखंदबख्त, और एक और नाम से बुलाती थी, खुदा दोस्त, ठीक है। यमन की जितनी भी लोग, यमन के, यमन जो मुल्क था उसमें जितने भी लोग थे सभी लोग बादशाह को क्या बुलाते थे, खुदा दोस्त, नहीं तो फरखंदबख्त। खुदा दोस्त पता है किस लिए, क्योंकि बादशाह जो है ना हमेशा अपनी जनता को दोस्त के नज़र से देखते थे और अपने जनता के जज्बातों को समझते थे और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। कहीं भी मतलब जो है ना हमेशा बादशाह के पास कोई भी सायल आता यानी कि मांगने वाला आता तो उसकी मांग को पूरा करते थे और बिना कुछ दिए अपने महल से तो भेजते ही नहीं थे, ठीक। मतलब जो भी मांगने वाला है, सायल, सायल कहते हैं मांगने वाले को, तो जो भी सायल आता था और बादशाह से कुछ भी मांगता था तो बादशाह जो है ना उसको दे दिया करते थे, ठीक। तो इसी बात का फ़ायदा जो है ना एक सायल उठाया। एक दिन जो है ना बादशाह के पास गया एक सायल और बोला कि सभी लोग आपको फरखंदबख्त, खुदा दोस्त के नाम से जानते हैं ना, सुना है कि आप खुदा दोस्त हैं, तो आप मेरी भी मांग पूरी कीजिए। वो सायल बोला बादशाह से, तो बादशाह बोले बोलो क्या क्या चाहिए तुम्हें। तो वो सायल जो है बोला बादशाह से, मुझे आप 3 दिन के लिए इस मुल्क का बादशाह बना दीजिए, अपना सारा तख्त व ताज मुझको दे दीजिए और मुझे इस यमन के मुल्क का बादशाह बना दीजिए। तो बादशाह बोले, यमन के जो बादशाह थे वो बोले कि ठीक है, मैं तुमको 3 दिन के लिए यमन के मुल्क का बादशाह बनाता हूँ, ये लो मेरा तख्त व ताज। और दे दिए बादशाह उस साहिल को। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यहाँ पर किए, नेक दिल साफ गो बनना ठीक है लेकिन यहाँ पर ये बेवकूफ़ी वाला काम किए। इतना बड़ा तख्त व ताज किसी को भी कैसे दे सकते हैं ये, ठीक। तो सबसे पहली बेवकूफ़ी वाला काम यहाँ पर किए, अपना सारा तख्त व ताज दे दिए, ठीक। और उसके बाद से 3 दिन जो है ना वो साहिल बादशाह बना रहा। 3 दिन के बाद जो है ना फिर से बादशाह गए उस साहिल के पास और बोले कि लो दो, अब 3 दिन हो गया, अब मेरा तख्त व ताज वापस करो, अब मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ। तो वो जो साहिल है वो बोला कि ये तो आपका इम्तहान था, ये आपकी परीक्षा थी कि आप मुझे दे रहे हैं कि नहीं, अब मैं इस तख्त ताज पर यानी कि यमन का बादशाह हमेशा के लिए बना रहना चाहता हूँ, आप मुझको हमेशा के लिए यमन का बादशाह बना दीजिए। तो क्या किए, दूसरी गलती, बादशाह जो है ना हमेशा के लिए उस साहिल को यमन का बादशाह बना दिए। मतलब पहली गलती तो ठीक थी लेकिन दूसरी जो गलती थी वो सबसे बड़ी गलती थी, हमेशा के लिए यमन का बादशाह बना दिए, ठीक। अब जो है वो साहिल यमन का बादशाह बन गया। अब ये जो पुराने वाले बादशाह थे, अब इनको वो शहर, वो यमन छोड़कर जाना पड़ा, ठीक। अब जा रहे थे, उनकी उनकी बीवी साथ में थी, उनके 2 बच्चे थे, एक बच्चा 7 साल का, एक बच्चा 9 साल का, 2 बच्चा था, ठीक है। और अपने बाल बीवी बच्चों के साथ वो शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने लगे। अब कहाँ, जिधर रास्ता मिल रहा था उधर जा रहे थे, ठीक है। रास्ते में ढाबा दिखाई दिया, दूसरे शहर में चले गए थे यमन को छोड़कर, और दूसरे शहर में जाने के बाद एक ढाबा था वहीं पर जाकर रुके थे,
बादशाह, पुराने वाले बादशाह, ठीक है, अपनी बीवी बच्चों के साथ। तभी एक सौदागर आया, सौदागर कहते हैं व्यापारी को, ठीक है। सौदागर आया और बोला बादशाह से कि देखिए मेरी वाइफ को यानी कि मेरी पत्नी को डिलीवरी होने वाली है, कोई नहीं मिल रहा है, कोई हकीम भी नहीं है, कृपया आप क्या कीजिए, अपनी बीवी को यानी कि अपनी पत्नी को जो है ना मेरे साथ भेज दीजिए ताकि मेरी बीवी की डिलीवरी हो सके। सौदागर यहाँ पर झूठ बोलता है। तो बादशाह क्या करते हैं, अपनी पत्नी को उस सौदागर के साथ भेज देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मेरी बीवी किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, ठीक है। तो बादशाह क्या करते हैं, अपनी बीवी को यानी कि अपनी पत्नी को उस सौदागर को दे देते हैं और बोलते हैं कि जाओ उसकी पत्नी को मदद कर दो डिलीवरी करने के लिए, ठीक। अब वो सौदागर है उस बादशाह की बीवी को घोड़े पर बैठा था और इतना तेज लेकर भागता है ना कि दोबारा वापस नहीं आता है। वो झूठ बोलता है सौदागर, बादशाह से झूठ बोलकर उसकी पत्नी को अगवा करके लेकर चला जाता है। अब बताइए वो वापस आएगा, ठीक है। उसकी पत्नी भी गई हाथ से, दूसरी मतलब तीसरी गलती यहाँ पर किए थे बादशाह कि बिना सोचे समझे जो है ना अपनी पत्नी को किसी और के हाथ में दे दिए और वो जो सौदागर था वो लेकर भाग गया धोखा देकर बादशाह को। अब इंतज़ार कर रहे थे बादशाह कि कब सौदागर उनकी पत्नी को लेकर आए, कब लेकर आए। इंतज़ार करते करते दोपहर हो गया, शाम हो गया, इंतज़ार कर ही रहे थे, मतलब दोपहर हो गया इंतज़ार करते करते, ठीक है। तो अब इनको टेंशन होने लगी, आखिर सौदागर क्यों नहीं आया मेरी पत्नी को लेकर। वो सौदागर कभी आएगा लेकर, वो तो लेकर भाग गया उनकी पत्नी को, ठीक है, वो तो कभी लेकर आएगा नहीं। अब ये क्या कर रहे थे बादशाह, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे, उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। तो बादशाह क्या किए, अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी वाइफ यानी कि अपनी पत्नी की तलाश में निकले, ढूंढने के लिए निकले कि आखिर उनकी पत्नी है कहाँ। ढूंढ रहे थे, रास्ते में क्या आया, दरिया आया, नदी। तो बादशाह सोचे कि क्यों ना इस दरिया को, इस नदी को तैर कर पार किया जाए। तो ये अपने बड़े बेटे जो 9 साल का बेटा था उसको नदी के किनारे खड़ा कर दिए और अपने छोटे बेटे 5 साल के बेटे को जो है ना अपने कंधे पर रखकर और नदी को तैर कर पार करने लगे, ठीक। और जैसे ही बीच नदी में गए, मतलब बादशाह जो है ना अपने छोटे बेटे को कंधे पर रखकर तैर रहे थे और नदी को पार कर रहे थे। तो जैसे ही बीच नदी में गए तो उनका जो बेटा, बड़ा बेटा जो साइड में खड़ा था नदी के मतलब किनारे खड़ा था, उसको भेड़िया उठाकर लेकर जाने लगी। तो उनका जो बड़ा बेटा है जोर से चिल्लाया कि बचाओ बचाओ, तब तक ये अपने बड़े बेटे को घूम कर ऐसे देखें, तब तक इनके कंधे पर जो छोटा बेटा था वो नदी में गिर गया और नदी की पानी जो है ना उनके छोटे बेटे को बहाकर लेकर चली गई और बड़े बेटे को भेड़िया उठाकर लेकर चला गया। तो इनके हाथ से छोटा बेटा भी गया, बड़ा बेटा भी गया, बीवी भी गई और तख्त व ताज भी गया, सब कुछ चला गया। आखिर में बादशाह के हाथ में क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0 बटा लुल, सिर्फ इनकी बेवकूफ़ी की वजह से। सोचिए वो शुरुआत में ही बेवकूफ़ी नहीं किए रहते, वो जो तख्त व ताज साहिल मतलब साहिल को हमेशा के लिए बादशाह बना दिए थे वो नहीं बनाते तो इनके साथ ये सारा मामला पेश आता, मतलब ये सारी घटना होती नहीं होती। तो ये शुरू में ही गलती किए थे और उसके बाद से फिर बाद में दोबारा गलती किए, फिर तीसरा बार गलती किए, हमेशा गलती करते करते मतलब अपने भोलापन की वजह से जो है ना इन्हीं का भोलापन इन्हीं पर भारी पड़ गया और अंत में इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ छूट गया इनके हाथ से, ठीक है। तो ये थी बादशाह की कहानी। आई थिंक इससे आप लोगों को सीख मिल गई होगी। क्या सीख मिली इस कहानी से, कि आप कोई भी डिसीजन ले सोच समझ कर ले, ये नहीं कि बादशाह की तरह किसी पर भी विश्वास कर ले और किसी को भी कुछ भी दे दे। तो ये हो गया आप लोग का चैप्टर कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर या फिर मुसानिफ से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और चारों तरफ शेयर कीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है, उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।